हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली आई रीड दिस कोट समवेयर व्हिच बिगिंस लाइक अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड। सो आई थॉट वी विल लर्न न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू लव। सो वी ऑल नो हंसने को इंग्लिश में लाफ कहते हैं। अगर हम थोड़ी सी स्माइल करेंगे हम उसको भी शायद कभी कभी लाफ कह देते हैं। बट देयर आर डिफरेंट वर्ड्स फॉर द डिफरेंट एक्सप्रेशन। इट डिपेंड्स कि हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा हंस रहे हैं उसको कुछ और कहते हैं, हम ज़्यादा हंस रहे हैं उसका भी कोई और वर्ड होता है। बट हम लोग सबको लाफ और स्माइल में ही काउंट कर देते हैं। सो टुडे वी विल गोइंग टू लर्न कि कौन से एक्सप्रेशन के लिए कौन सा वर्ड बोलते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज लाफ, LAUGH। लाफ यानी हंसना, जिसमें हमारे टीथ शो होते हैं। नॉट इवन हमारा वॉइस ज़्यादा लाउड नहीं होगा, ना ही वॉइस बहुत कम होगा। मीडियम वॉइस पे जब हमारे टीथ शो होते हैं और हम वैसे हंसते हैं उसको कहते हैं लाफ। नेक्स्ट इज स्माइल, SMILE, यानी मुस्कुराना। मुस्कुराना इज इन सिर्फ स्माइल देना। इसमें हमारे टीथ शो नहीं होंगे और हमारा जो लिप्स के दोनों कॉर्नर्स हैं वो हल्के से ऊपर की तरफ जाएंगे और सिर्फ स्माइल देंगे हम लोग, उसमें टीथ शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज चकल, मन में मुस्कुराना। जब हम लोग कुछ भी सोच के या फिर किसी भी बारे में बात करके हम जब मन ही मन मुस्कुराते हैं उसको कहते हैं हम चकल। नेक्स्ट वी हैव गिगल, GIGGLE। इट मीन्स जब हम दूसरों की बात करते हैं और जब हम दूसरों पे हंसते हैं उसको कहते हैं गिगल करना, या हम इसे ये भी कह सकते हैं खी खी करके दूसरों पे हंसना। नेक्स्ट वी हैव लॉज, LOLZ। इसका एल साइलेंट होगा, इट्स प्रोनाउंस्ड एज लॉज। बिना सोचे कि क्या कर रहे हैं क्या, बस ओपनली जोर से हंसना उसको कहते हैं लॉज। बिल्कुल जोर से हंसना कि विदाउट थिंकिंग हमारे आसपास कोई है भी या नहीं, उसको हम कहते हैं लॉज। सो नाउ यू ऑल आर क्लियर विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाफ। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यूज करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन। विल मीट सून, टिल देन बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।